JKVP टाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पता चल जाए। देखो तो कोरिलेशन का ये प्रॉब्लम है 9876543211, एक्स की वैल्यू दिया, वाई की भी वैल्यू दिया। देखो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना, पहले बॉक्स बनाना, एक्स के वैल्यूज वाई के वैल्यूज, एक्स के वैल्यूज है 9876543211 और यहाँ पर वाई के वैल्यू से 15, 16, 14, 13, 11, 12, 10, 8, 9। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का टोटल ले लेना, जरा दोनों का टोटल मारो जल्दी। फोर्टी फाइव आ रहा, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 45, सिग्मा वाई वन नॉट एट। तो पहला स्टेप क्या रहता मालूम है, मीन, एक्स मीन वाई मीन, मतलब सिग्मा एक्स बाई एन सिग्मा वाई बाई एन। तो 45 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर है, 9। कितना होता 45 डिवाइडेड बाई 9 करने पर 5 आ रहा। यहां पर 108 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा 12। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा सर, 9 है, हाँ 9, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा ये। तो जब भी ऐसा पूरी तरीके से डिवाइड होता ना, तब छोटा फार्मूला यूज कर सकते, बड़ा फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अब छोटा फार्मूला क्या है, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। खैर करना क्या है देखो, सबसे पहले यहां पर आओ और स्मॉल एक्स मालूम करो। कैसा करते हैं, एक्स में से एक्स बार माइनस कर लेना। अब एक्स बार क्या है, ये फाई है, तो ये फाई को ये पूरे नंबरों से एक एक करके माइनस कर लेना, तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं नहीं प्लस फोर, नौ बड़ा है ना, 8 में से 5 गया तो 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। क्योंकि ये अगर छोटा है तो, क्योंकि अब 1 माइनस 5 कर रहे तुम, तो प्लस वो माइनस 4 आएगा, जाहिर बात है। 2 में से माइनस 5 करेंगे तो माइनस 3 आएगा। अब यही काम यहां पर भी करना, यहां पर 12 से डिवाइड करना है अपने को, वो माइनस करना है अपने को। तो स्मॉल वाइफ मतलब वाई माइनस वाई बार, 12 से माइनस करने पर ये 3, ये 4, ये 2, ये 1, ये माइनस 1, 0, माइनस 2, माइनस 4 और माइनस 3। इसके बाद में स्क्वायर लेना, मतलब पहले x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर क्या आएगा, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। कभी भी स्क्वायर करने के बाद में आंसर माइनस नहीं रह सकता, स्क्वायर करने के बाद पूरे पूरे नंबर पॉजिटिव बन जाते। अब ये 3 का निकालो, 9, 4 का 16, 4, 1, 1, 0, 4, 16, 16 और 9। अब क्या करना,
स्मॉल एक्स स्मॉल वाइफ इनटू कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब ये एक्स के वैल्यूआ और ये वाई के वैल्यूओं को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 मतलब 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ये भी 12 नहीं, 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 2। जब दो नंबर अगर सेम साइन के है माइनस के ही है तो आंसर प्लस में ही रहता, प्लस 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 3 भी 12। अब क्या करना, सबके टोटल लेना, आप बारी बारी करके सबका टोटल निकालो। आप तो सबसे पहले ये देखो पॉजिटिव का टोटल देखो, पहले 7 9 10 प्लस में 10, ये भी 3 3 6, ये भी माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 मतलब सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका देखो, इसका करके बोलो कितना हुआ, 60 60। इसका करके देखो स्मॉल वाई का, ये भी 0 आएगा क्योंकि माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 और इधर 7, ये भी 10 ही चोरा बराबर 0 आता। ये देखो ये भी 60 आ रहा, कमाल है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ये देखो इसका टोटल देखो कितना आ रहा, 57। चलो अब मेन फार्मूले में सबमिट करना है, एक सिग्मा एक्स और वाई कितना आया अपने को 57 अंडर रूट, एक्स स्क्वायर कितना आया अपने को 60, वाई स्क्वायर कितना आया अपने को 60, ये भी 60 आया। चलो तो आगे देखो 57 डिवाइडेड बाई 60 into 60 3600 बराबर 3600 का रूट निकाल लो, 57 डिवाइडेड बाय 60 नहीं 60 चाहता रूट निकाले तो अब 57 को 60 से डिवाइड कर लो 0.95 खत्म। अब कभी कभी क्या है ना प्रॉब्लम में प्रोबेबल एरर पूछता, तो प्रॉबेबल एरर भी सिखा डालता हूं मैं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। चलो प्रॉब्लम प्रॉबेबल एरर कैसा करना वो नेक्स्ट पेज में देखो, कोरिलेशन। हाँ ये कोरिलेशन ही है, इसको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन बोलते हैं। लिख दो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन। सर फिर वो क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं, बड़ा कराना कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। ये कैसा है को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर। चलो अब इसका मैं प्रोबेबल एरर बतलाता हूं। प्रोबेबल एरर फार्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई अंडर रूट एन, 0.6745 इंटू 1 माइनस आंसर कितना आया था 0.95 नहीं का स्क्वायर नाइन। चलो 0.95 का स्क्वायर बोलो 0.90 एन का 9 का रूट निकालो 3 0.6745 इंटू 1 से जरा माइनस करके बोलो कितना 0.0975। ओके राइट, 3 से डिवाइड करो इसको जरा 0.0325। ओके राइट, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो ये 0.0219। ओके ये आ गया प्रोबेबल एरर। अब प्रोबेबल एरर आने के बाद में अपने को यूज क्या आता है ये प्रोबेबल एरर, कोरिलेशन कितना सही है कितना गलत है, गलत जाने के चांस है सो इतने है,
प्रोबेबल एरर का मतलब है कि कोई दो प्रोडक्ट का जो आपसी रिलेशन है, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो कि जूता है और उसके मोजे है, कितने लोग है जो जूता खरीदने के साथ साथ मोजे भी खरीदते, समझे, और कितनी पॉसिबिलिटी है कि नहीं खरीदते। तो पॉसिबिलिटी जो नहीं खरीदने की है उसको प्रोबेबल एरर बोलते। दोनों का रिश्ता बेहद अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक खामी है, नहीं खरीदने वाले की पॉसिबिलिटी इतनी है। लेकिन फिर भी मैथमेटिकली अपन बोलते हैं कि कम से कम 6 आया या 6 से ज्यादा आया तो हम रिलेशन को अच्छा बोलते। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, आर डिवाइडेड बाई प्रोबेबल एरर। अगर कभी आर को तुम प्रोबेबल एरर से डिवाइड करे और आंसर 6 आ गया, 6 से ज्यादा या 6 से ज्यादा आ गया, तो समझ जाना कि जूते और मोजे का रिलेशन बेहद अच्छा है, मतलब कोरिलेशन बहुत अच्छा है। कोरिलेशन मतलब दो प्रोडक्टों के बीच का आपसी रिलेशन, कितने लोग है जो जूते के साथ मोजे भी खरीदते, ये मतलब है उसका, और कितने लोग है जो चाय के साथ बिस्किट भी खरीदते, ये समझ लो एक हिसाब से। चलो, आर था 0.95 डिवाइडेड बाई प्रोबेबल एरर 0.0219। बोलो आंसर कितना आ रहा। अरे बाप रे, ये तो 43 के ऊपर चले गया, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है ये। मतलब वो कौन से दो प्रोडक्ट है कि वो जूते मोजे है कि चाय है कि बिस्किट है कि, लेकिन दोनों का रिलेशन बेहद अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसी को कोरिलेशन बोलते। अगर कभी थ्योरी में पूछा, हिंदो चल रहे, अगर कभी थ्योरी में पूछा प्रोबेबल एरर, तो उसका मीनिंग ये लिखना जो मैं अभी समझाया। कोरिलेशन अगर थ्योरी में पूछा तो वो लिखना जो मैं अभी थ्योरी में समझाया, और अगर प्रोबेबल एरर थ्योरी में पूछा तो उसका लिखने के बाद में उसका फार्मूला डाल के एक्सप्लेन कर देना। एक बहुत बोल तो 7-8 लाइन लिखना बस, बहुत से बहुत 10 लाइन लिखना, उतना ही बस। चलो भी अपन फोर्थ यूनिट कर लेंगे जिसमें कोरिलेशन है, साथ में कभी कभार प्रोबेबल एरर भी पूछ लेता हूँ उसके, और अपोजिट में रैंक कोरिलेशन पूछेंगा शायद, वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है, वो भी दिखाता हूँ। लेकिन पहले कोरिलेशन देख लो आप। अब कोरिलेशन में जैसे कि अभी ये जो मौजूदा प्रॉब्लम है, इसमें दो वैल्यूज़ दिया उन्हें, एक्स एंड वाई। एक्स के वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, 5 और वाई के वैल्यूज़ है 3, 4, 5, 4, 10। अब ऐसा प्रॉब्लम है, इसको कैसा सॉल्व करना देखो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक्स के वैल्यू लिख देना, ऐसा बॉक्स बनाना, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर एक्स के वैल्यूज लिखना 1 by 1, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, और वाई के वैल्यूज जो उन्हें दिया वो है 3, 4, 5, 4 और 10। सबसे पहला काम क्या करना प्रॉब्लम में, कि सबसे पहले इन सबका टोटल ले लेना। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 का टोटल हुआ कितना देखो, 3, 6, 10, 15। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 15। वैसे यहाँ पर भी ले लेना, सिग्मा वाई इज इक्वल टू, ये कितना होगा देखो, 7, 12, 16, 26। अब इसके बाद में क्या करना, एक्स बार मालूम करना, वाई बार मालूम करना। एक्स बार मतलब सिग्मा एक्स बाई एन, वाई बार मतलब सिग्मा वाई बाई एन। तो सिग्मा एक्स है 15 और एन है 5, मतलब 5 नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो डिवाइड करने पर हो जाएगा ये 3, और इधर डिवाइड करने पर ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 5.2। तो अगर कभी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता तो अपने लिए बहुत अच्छा होता था, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि अब बड़ा फार्मूला लगाना पड़ता, और जो वो बड़ा फार्मूला है वो इस तरीके का है। देखो एक बड़ा फार्मूला लिख के बतलाता हूँ मैं,
फिर उसमें कैसा सबमिशन करते कैसा सॉल्व करते वो भी दिखाता हूँ। ये स्मॉल आर का मतलब होता कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, फार्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड अंडर रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर बाई एन, फिर से अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वायर बाई एन। अब ये बड़ा फार्मूला सॉल्व करने के लिए ऊपर बॉक्स अपन तैयार करना, इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन अपन तैयार करने का रहता। तो अपन सबसे पहले क्या करना, देखो ये जो दिख रहे वैल्यूज एक्स के, इसमें से ये थ्री माइनस कर देना सब में से, जैसे कि ये हो गया माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस वन, थ्री में से थ्री जाएगा तो ज़ीरो, फोर में से ये थ्री जाएगा तो वन, फाइव में से जाएगा तो टू। अब इसका स्क्वायर ले लेना, फोर वन ज़ीरो वन फोर। अब यही काम उस तरफ भी करना, मतलब अब ये 5.2 है, अगर कभी 5.2 से माइनस करेंगे तो पूरे पॉइंट्स भर जाएंगे प्रॉब्लम में। अपन एक काम करेंगे, इसमें 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन ज़ीरो और ये भी माइनस वन और ये प्लस में 5। ऐसा ले सकते अपन, ऐसा तो कोई भी नंबर ले सकते इसमें से, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी अपन बेहतर होता कि पॉइंट के करीब लिए, मतलब 5.2 है तो 5 ले लेना बेहतर है। अब इसका स्क्वायर निकालना, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1, 0, 1, 25। अब मल्टीप्लाई करना, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 2 माइनस है। देखो जब दो नंबर आपस में माइनस रहते तो आंसर प्लस में आता, फिर माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, ज़ीरो इंटू, अब ये तो ज़ीरो ही रहेगा ना, वन इंटू माइनस वन, दोनों में से कोई एक जना माइनस रहा तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही चाहता, तो माइनस वन, टू इंटू फाइव मतलब टेन। अब इन सब का टोटल ले लेना, अब ये हो गया सिग्मा डी एक्स, ये देखो ये प्लस के तीन है ये माइनस के तीन है मतलब आंसर ज़ीरो, ये हो गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, फोर वन फाइव हो गया सिक्स टेन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू माइनस में देखो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया ये माइनस फोर हो गया, माइनस फोर प्लस फाइव मतलब प्लस में वन, ये देखो फाइव सिक्स थर्टी वन, यह है सिग्मा डी वाई स्क्वायर 31। अब यह आंसर रहेगा 5, 15 और 14, ये 1 माइनस में है ना, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 14। ऐसा करने के बाद में अब ये बड़े फार्मूले में रखना अपन। अब बड़े फार्मूले में कैसा रखते देखो, सिग्मा डी एक्स डी वाई मतलब 14, सिग्मा डी एक्स मतलब 0, सिग्मा डी वाई मतलब 1, डिवाइडेड बाय एन मतलब 5, 5 नंबर्स है ना पूरे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर मतलब है 10, सिग्मा डी एक्स है सो 0 है, ये 0 है का उसका स्क्वायर बाई एन मतलब 5, और सिग्मा डी वाई स्क्वायर मतलब 31 माइनस सिग्मा डी वाई मतलब 1 का स्क्वायर बाई 5। अब इसको सॉल्व करना अपन, दूसरा पेज ले लेंगे, तो अब ये होने वाला है फोर्टीन माइनस ज़ीरो बाई फाइव और अंडर रूट टेन
माइनस जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर बाई फाइव करने पर, और ये हो जाएगा 31 माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, डिवाइडेड बाई फाइव करने पर 0.2 हो जाएगा। अब इसके इसको आगे सॉल्व करने पर होगा आंसर 14 बाई अंडर रूट 10 अंडर रूट 30.8। तो 14 डिवाइडेड बाई 10 का रूट आने वाला है, 10 का रूट आता 3.16, और 30.8 का रूट, 30.8 का रूट होगा 5.55। तो 14 डिवाइडेड बाय 3.16 इंटू 5.55 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, ये करने पर ये होने वाला है 17.538। तो 14 डिवाइडेड बाय 17.538 करने पर आ जाएगा आंसर 0.798। ये इसका आंसर है। अब कभी कभार प्रॉब्लम में क्या है, प्रोबेबल एरर भी पूछ लेता, तो अगर कभी प्रोबेबल एरर पूछा तो अपने को एक फार्मूला सॉल्व करना पड़ता जो कि ये है। ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव, ये नंबर बाई डिफ़ॉल्ट है, इंटू माइनस वन माइनस कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर बाई रूट एन, ये इसका फार्मूला है। अब देखो इसको कैसा सॉल्व करना, 0.6745, वन माइनस ये आर, मतलब ये रहता अपना आंसर रहता 98 का स्क्वायर बाई एन, मतलब फाइव है ना नंबर, तो 0.798 का स्क्वायर आएगा अपने को, सबसे पहले तो ये लिख लेंगे 6745, वन माइनस 0.798 ग्यारह 0.6368 बाई फाइव का रूट आएगा रूट फाइव 2.236। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे अपन, 0.6745 ये वन से माइनस करने पर हो जाएगा वन माइनस 0.6368, ये हो रहा 0.3632 डिवाइडेड बाय 2.236। अब इसको इससे डिवाइड करना, 0.3632 डिवाइडेड बाय 2.236। अब यह आंसर आने वाला है 0.1624। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा आंसर 0.1095। यह है प्रोबेबल का आंसर। अब क्या है ना, प्रोबेबल का जो आंसर है ये सफिशियंट है या नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसको भी मालूम करने का एक तरीका रहता, वो मैं इधर साइड में दिखाता हूँ। इसके लिए ये काम करना, अपन आर को डिवाइड करना प्रोबेबल एरर से और देखना कि क्या वो ग्रेटर देन सिक्स आ रहा। अगर वो ग्रेटर देन सिक्स आ जाए तो समझ जाना कि अपना जो प्रोबेबल एरर, अपना जो कोरिलेशन है वो बराबर है, मतलब सफिशियंट है, सिग्निफिकेंट है। तो आर, ये फार्मूला सॉल्व करना है, आर इज इक्वल टू अपना आंसर था 798
प्रोबेबल एरर था 0.1095, डिवाइड करने पर देखेंगे कितना आता ये 0.798 डिवाइडेड बाय 1095, ये आ रहा 7.28, यानी कि सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट। अगर कभी ये आंसर 6 या 6 से ज़्यादा आ जाए तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट रहता है।